सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो लेकर आपके लिए मैं आज मेरे साथ दो बाइक, ये है एक ड्यूक 390 और ये रही हमारी एडवेंचर 390। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस दोनों बाइक में से कौन सी ज़्यादा लेनी चाहिए, अगर आप एक रेगुलर राइडर हैं या फिर आप एक डेली कम्यूटर हैं या फिर अगर आप हाईवे राइडिंग करते हैं तो आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए इन दोनों में से। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं मतलब बात करना चाहूँगा। तो कंफर्ट, माइलेज, पावर और जैसा आप मतलब डेली मेंटेनेंस या कुछ भी कह लो, मेंटेनेंस जो भी रिलेटेड होती है, क्योंकि दोनों KTM पर है तो मेंटेनेंस, KTM थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है तो लोग उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये हमारी एडवेंचर 390 और ये रही अपनी ड्यूक 390। तो ये मेरे फ्रेंड मुकुल किया जो अभी शूट कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी शूट दिस वीडियो। इसका इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। सो या अब हम बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। तो कंफर्ट में अगर देखो यार, कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि एडवेंचर 390 बनी ही कंफर्ट के लिए है। इसमें आपको मिल जाता है एक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, उसमें थोड़ा आपको छोटा मिलता है जो काफ़ी अच्छी डैम्पनिंग प्रोवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका कंप्रेशन है। अगर आप टूरिंग की बात करें तो कंफर्ट, अगर आप टूरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर तो दूर दूर तक आप एडवेंचर के ऊपर घूम सकते हैं। इसकी सीट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी बड़ी, आपके पास काफ़ी सारी जगह है इसके अंदर कि आप आगे पीछे हो सकते हैं सीट पर, लेफ्ट एंड राइट अपनी बॉडी का एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप 500-600 किलोमीटर बार बार चला रहे हैं। वहीं पर अगर हम आ जाते हैं ड्यूक 390 पे, तो ड्यूक की सीट थोड़ी छोटी है और इसका सस्पेंशन थोड़ा ट्रैवल कम है, तभी उसका नाम एडवेंचर है तो सस्पेंशन ट्रैवल उनको ज़्यादा देना ही पड़ेगा। एंड कंपेयर टू दी एडवेंचर 390, जो ड्यूक का सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, उसका भी हार्ड ही है, उसका कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है और आपको उसमें थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा लगेगा। जो पीछे का रियर सस्पेंशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैवल वाला आपको मिल जाता है, अराउंड 180 mm का आपको पीछे ट्रैवल मिलता है। यहाँ पे आपको 150-160 का मिलता है, प्रॉपर फिगर स्क्रीन पर आ रही होगी। और फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा आपको एडवेंचर में इसका ट्रैवल मिलता है। तो फ्रंट की बात करें तो आपको अराउंड 177 mm का ट्रैवल मिल जाता है और इसमें आपको फ्रंट में अराउंड 140-150 का ही मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है इन माई ओपिनियन। तभी आपने देखा होगा ड्यूक 390 की जो ऑयल सील होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और ड्यूक 390 की जो अलॉयज है वो भी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि आप गड्ढा होता है, आप ज़्यादा हार्ड गड्ढे में, बड़े गड्ढे में जाते हैं, सस्पेंशन कभी कभी उससे कीप अप नहीं कर पाता और सस्पेंशन बॉटम आउट होने की वजह से पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट होता है वो अलॉयज पर चले जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग कि इसमें आपको अच्छे क्या कहते हैं सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है एडवेंचर 390 में। बट या ड्यूक की भी ऐसा अलग चलाने का अलग मजा है। तो कंफर्ट से रिलेटेड एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है टायर का साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 150 सेक्शन का रियर टायर मिल जाता है और यहाँ पे आपको एडवेंचर 390 में 130 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। तो आप सोच रहे हो कि टायर कंफर्ट से कैसे रिलेट करता है, वो मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी सारे लोग नहीं बात करते। तो आप इधर आके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो टायर की विड्थ मिलती है, आप इसमें देखें एडवेंचर 390 में कितनी ज़्यादा बढ़ी है। तो पीछे है 130-80-17, तो 80 जो इसकी इसी साइड की विड्थ हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको कुशन प्रोवाइड कर देता है। वहीं पर अगर आप ड्यूक में देखेंगे तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली इसकी साइड वॉल है। तो यहाँ पर आपको मिलता है 150-60-17, तो 60 है और यहाँ पर 80 है, तो आप यहाँ पे इसकी वृत्त देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड गड्ढे वगैरह जो भी होते हैं वो ये जो वृत्त है टायर की वो एब्जॉर्ब काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है, दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा राइड कंफर्ट मिल जाता है एज कम्पेयर टू द ड्यूक 390। एंड साथ ही साथ अच्छा सस्पेंशन, एक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और थोड़ा सा सॉफ्टर सस्पेंशन, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक लॉन्ग राइड या फिर एक कम्फर्ट लेवल को देखें तो उसमें। तो जो अगली बात मैं करना चाहूँगा वो है पावर के बारे में। तो देखिए इंजन दोनों बाइक का एकदम सेम है, 390 cc जो बोलते हैं हम, लेकिन होता 373 cc है, तो एकदम सेम इंजन है। बस डिफरेंस फिलहाल इन दो बाइक्स में ये है कि ये BS4 है और ये BS6 है। ऑल दो BS6 जो ड्यूक 390 उसमें भी सेम इंजन है, तो थोड़ा उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है BS6 वाले वो एडवेंचर से मेल जोल करते हैं। बट अगर मैं BS4 वाली ड्यूक से इसको कंपेयर करूँ तो भाई हैंड्स डाउन इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर आपको बाइक को भगाना है जोर से, आपको ट्रैक पे ले जाना है, आपको कॉर्नरिंग करनी है, आपको सिर्फ एक इंजॉय करना है बाइक को, ड्यूक 390 से बढ़िया आई डोंट थिंक इस कैटेगरी में कोई भी बाइक है, एडवेंचर 390 भी नहीं। इसको चलाने में मज़ा आता है बट वही बात आ जाती है बाइक काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, 855 mm की इसकी सीट आपको मिलती है, तो थोड़े शॉर्ट राइडर जो है उनको दिक्कत होगी। तो एडवेंचर 390 ड्यूक 390 से थोड़ी अराउंड 10 किलो भारी भी है, तो 167 आपको इसका ड्राइवेट मिलता है और 177 आपको इसका ड्राइवेट मिलता है। तो यार भारी बाइक है, थोड़ी ऊंची बाइक है, तो आपको उतना मज़ा शायद से ना आ पाए अगर आप एक्सपीरियंस राइडर नहीं है तो। बट या अगर आपको मज़े करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइक
का मतलब भगानी है बाइक को, रेव लिमिटर तक लेके जाना है आपको, कॉर्नरिंग करनी है आपको, ट्रैक डेज करनी है, और स्पेशली अगर आपको सुपर बाइक से टक्कर देनी है एक 400 सीसी की बाइक पे, तो ड्यूक 390 इज द बेस्ट बाइक फॉर दैट। स्पेशली अगर आप एक पुराना थोड़ा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये BS4 है, BS6 में थोड़ी बहुत पावर में आपको पता चलता है डिफरेंस, बट हाँ BS4 जो मॉडल है ड्यूक 390 का, ऑसम। इससे ऊपर आप मतलब 400 सीसी में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा फन बाइक कोई अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। तो ये तो मैंने आपको पावर के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इसमें पावर की कमी है, ये भी बहुत अच्छी है। टॉप स्पीड दोनों बाइक्स की सेम है, 0 to 100 इसका अराउंड हाफ अ सेकेंड ज़्यादा तेज है बिकॉज ऑफ द वेट, बट या ऐसा नहीं आपको कभी फील होएगा एडवेंचर 390 चलाते हुए भी कि इसके अंदर पावर की कमी है, या फिर आपको कोई हल्की बाइक चला रहा फील हो रहा है, नहीं, पावर एकदम 100% आपको इसमें भी मिलती है। मैं तभी ड्यूक 390 से ड्यूक एडवेंचर 390 पर आया और मेरे को ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं पता चला, क्योंकि देखो सेम इंजन है तो इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट या एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा इन दोनों बाइक की माइलेज के ऊपर, तो जैसे मैंने बताया ये BS4 है एंड ये BS6 है, तो माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी। अब मैं सही बात बताऊँ तो 14.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिलता है एडवेंचर का, और ड्यूक में आपको 13.5 मिलता, तो 1 लीटर छोटा फ्यूल टैंक मिलता है आपको ड्यूक में। बट माइलेज की बात करें तो माइलेज देखो एडवेंचर 390 की ड्यूक 390 से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। जैसा आप सबको पता है कि मेरे पास पहले एक ड्यूक 390 BS4 थी, उसकी माइलेज मेरे को टूरिंग में हमेशा अराउंड 32 से 34 मिली है, बट समहाउ एडवेंचर 390 जैसे मैंने BS6 ली, मेरे को इसमें टूरिंग में अराउंड 40 की एवरेज मिली है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 36 से नीचे तो कभी गई नहीं, मैंने शिमला करा था एक दिन में अप एंड डाउन, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा तेज रफ बाइक चलाई थी, उसमें भी मेरे को 36 से नीचे एवरेज नहीं मिली, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर आप हर दिन बाइक चला रहे हैं, आप हर दिन कम्यूटिंग कर रहे हैं बाइक पे, तो माइलेज आपको इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि BS6 इंजन है एंड थोड़े इमिशन नॉर्म्स के चक्कर में इनको थोड़ा पावर ट्यूनिंग करके ना, इसलिए माइलेज थोड़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। सो या अगर आप हर दिन बाइक चला रहे हैं तो आपको एडवेंचर थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज मिलेगी, एंड हर दिन चला रहे तो आपको कंफर्ट भी चाहिए होगा, तो कंफर्ट भी आपको इसमें अच्छा ज़्यादा मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया दोनों बाइक्स अपने कैटेगरीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक टूरिंग और एक ऑफ रोडिंग बाइक थोड़ी मिल जाती है, एक एडवेंचर बाइक मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक सुपर फन स्ट्रीट नेकेड बाइक मिल जाती है। सो या चॉइस इज़ योर्स एट द एंड, आपको कैसी बाइक चाहिए, आपको बाइक किस काम में आने वाली है। दोनों ही बाइक्स अपने कैटेगरीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ड्यूक 390 जैसे बोलते हैं लोग पॉकेट रॉकेट, आपको यहाँ पे आपको ड्यूक 390 मिल जाएगी, आपको एक बहुत ज़्यादा फन बाइक चाहिए, और दूसरी तरफ अगर आपको एक टूरिंग बाइक चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल बाइक चाहिए जिसको आप टूरिंग करें, हर दिन चलाएं, ऑफ रोडिंग भी करें और इसको ट्रेल्स पर भी लेके जाए, तो एडवेंचर 390 इज़ द बेटर ऑप्शन। बट इन दोनों बाइक्स के अंदर चूज़ करने में ना यार, पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मैं दोनों ही बाइक्स का ओनर रह चुका हूँ, मेरे पास ये थी अभी ये है, तो मैं तो देखो पर्सनली चूज़ नहीं कर सकता इन दोनों के बीच में। मेरे को इसका एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर मेरे को इसका कंफर्ट और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्विक शिफ्टर वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखो चॉइस इज़ योर्स एट द एंड, आपने बाइक लेनी है, आपके पैसे है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को नीचे कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी एंड आपको क्या लगता है इस कंपैरिजन का विनर कौन है। सो इज़ माय वीडियो ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द ड्यूक 390 एंड द एडवेंचर 390, एंड अब आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बाइक आपके हिसाब से इस कंपैरिजन में जीतनी चाहिए, जैसे जो जो मैंने कैटेगरीज दिखाई आपको कंफर्ट और डेली कम्यूटिंग के हिसाब से। सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज थर्ड पर साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।